नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.6 प्रायोगिक ज्यामिति के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे, आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है तो आप इन क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सभी को इनसे मदद मिल सके। आज ही हमारा कक्षा 6 गणित का आखिरी वीडियो है, इसके बाद इसका गणित कक्षा 6 गणित का कोर्स पूरा हो जाएगा। यदि आपको पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 5 से। रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। आपको जो ये माप दे रखी है कोणों की, इनकी रचना करनी है, ये कोण बनाने हैं प्रकार और रूलर की सहायता से। तो देखो, मैं आपको सभी कोण बना के बताऊंगा तो आपको ये सभी समझने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको लेना है रूलर और एक रेखा खींचनी है। ठीक है, ये मैंने रूलर लिया है और ये मैंने एक रेखा खींच दी। इस रेखा को कोई भी नाम दे देंगे, मान लो मैंने एल नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, आपको इसमें रचना के पद भी लिखने हैं, जो आपने इसमें किया वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सर्वप्रथम रेखा L खींची। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ये रेखा L खींची। अब क्या करोगे, इस L रेखा पर कहीं पे भी एक बिंदु लेना है आपको। मान लो मैंने यहां पर बिंदु ले लिया, उसका नाम दे दिया A। क्या नाम दे दिया? A। तो नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, रेखा L पर एक बिंदु, क्या नाम है? A लगाया। ठीक है, इस रेखा L पर एक बिंदु A लगाया। अब नंबर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे बेटा, तीसरे नंबर पे अपना प्रकार लेना है, आप जितना चाहो उतना इसको खोल लो। ठीक है, और प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखकर एक चाप लगाओ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये चाप रेखा L को एक बिंदु पर काटेगा। मान लो उस बिंदु का नाम दे दिया मैंने B। क्या नाम दे दिया? B नाम दे दिया। ठीक है, तो लिखो यहां पर नंबर 3 पे क्या किया बच्चों, बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार से एक चाप लगाया जो रेखा L को बिंदु B पर काटता है। क्या किया, बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार से एक चाप लगाया जो रेखा L को कहाँ काटता है? B पर काटता है। अब नंबर 4 पे क्या करना है बच्चों, अब बेटा आपको प्रकार लेना है और प्रकार का जो नुकीला सिरा है आपको ये वाला ही माप रखना है। ये जो आपने पहले माप लिया था ये माप रखना है और प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु B पर रखना है। कहाँ रखना है? और ये जो आपने चाप लगाया था उस पर आपको चाप लगाना है। ठीक है, अब लगा दिया। अब बच्चों, जहाँ पर ये चाप लगा उसको हम A से मिला देंगे। किसे मिला देंगे? A से। तो ये हमने उसको A से मिला दिया। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बना ये कोण आ गया आपके 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहां क्या लिखेंगे, पुनः B को केंद्र मानकर, पुनः B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक है, यहां चाप लगाया, अब नाम C दे दो। ठीक है, और फिर क्या किया, चाप लगाया जहां सी बिंदु मिला। ठीक है, मिल गया। अब सी को ऐसे मिलाया। ठीक है, इस प्रकार
कोण सी ए बी, सी ए बी बराबर 60 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमें प्रकार की सहायता से क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है और इसकी रचना के पद भी आपको लिखने हैं। देखो कैसे बनाया मैंने, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, इस पर एक बिंदु ले लेंगे, अब प्रकार लेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, फिर ये जो चाप आएगा इसे यहाँ चाप लगाएंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का कोण। बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। तो रचना के पद भी आपको लिखने हैं। अब देखो बी में बनाना है 30 डिग्री का कोण, अब रचना आपको लिखनी है, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो 30 क्या होता है, 60 का आधा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेखा खींचो, ये हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब रेखा का नाम कुछ भी दे दो, एल दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, दे दिया। अब इस रेखा पर एक बिंदु ले लो, यहां मैंने बिंदु ले लिया, इसका नाम बी दे दिया, ठीक है। अब प्रकार लेना है, जितना आप चाहो उतना खोलना है, बी पर रखना है और एक चाप लगाना है ऐसे, ठीक है। जहां पर ये चाप इस रेखा एल को काटेगा वहां एक्स नाम दे दो, ठीक है, दे दिया। अब ये नाप रखना है और एक्स पर रखना है, यहां चाप लगाना है। बच्चों यहां चाप लगाया तो यहां कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। पहली बार जब यहां से चाप लगाओगे तो 60 का बन जाएगा, बन गया 60 का। लेकिन हमें 30 का बनाना है तो हम 60 का आधा कर लेंगे, 60 का क्या कर लेंगे, आधा। तो प्रकार को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, खोल लेना और एक बार तो एक्स पर रख के इधर चाप लगाना, ठीक है, और एक बार यहां 60 पर रख के इधर चाप लगाना। संधि भाजन करना हमने सीखा है ना पहले, ठीक है, काट दिया और अब मिला दो, ठीक है ना। तो ये हमने इसको क्या किया, मिला दिया, ये हमने मिला दिया है। अब बच्चों ये वाला जो कोण बनेगा, ये बनेगा आपके 30 डिग्री का कोण, कितने का, 30 का, ठीक है। इस चाप को वाई नाम दे दो, इस चाप को आप ए नाम दे दो, ठीक है। तो ये ए बी एक्स या ये वाला जो कोण बना ये कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का, ठीक है। अब रचना के पद आप खुद लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो सी में बनाना है बच्चों 90 डिग्री का, ठीक है, प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, ये एक रेखा खींची मैंने, ठीक है बच्चों, रेखा का कोई नाम दे दो, एल दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस रेखा पर एक बिंदु लेंगे, मान लो मैंने यहां बिंदु ले लिया और उस बिंदु का नाम एम दे दिया, ठीक है। अब एम को केंद्र मानना है और प्रकार को आप आवश्यकता अनुसार जितना चाहो उतना खोल लो और एम पर रखना है, ठीक है, और यहां से एक चाप लगाना है, लगा दिया। अब बच्चों ये चाप एल रेखा को जहां काटता है वहां एक्स नाम दे देंगे, दे दिया। अब प्रकार को वही माप रखना है और इस एक्स बिंदु पर रखेंगे और यहां से एक चाप लगाएंगे। जब पहली बार चाप लगता है तो बनता है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 का। और जहां पर ये चाप कटा इसको नाम दे देंगे वाई, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, प्रकार के नुकीले सिरे को वाई पर रखेंगे और एक बार और लगाएंगे, ठीक है। जहां पर बच्चों ये चाप कटेगा वहां पर नाम दे देंगे जेड, क्या नाम दे देंगे, जेड, ठीक है। तो बच्चों देखो जब यहां से मैंने पहली बार चाप काटा तो 60 डिग्री का कोण, फिर मैंने 60 डिग्री पर रखे काटा तो 120 डिग्री का कोण, यहां कितना बनेगा, 120 का। अब हमें 90 का बनाना है तो 90 का बनाने के लिए इसको थोड़ा सा और खोल लोगे, एक बार तो यहां रखोगे जेड पर इधर चाप लगाओगे और एक बार रखोगे वाई पर और इधर चाप लगाओगे। जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे उसको हम एम से मिला देंगे, किससे मिला दोगे, एम से, ये हमने मिला दिया एम से, ठीक है। तो बन गया आपके 90 डिग्री का कोण, ठीक है, जाओ, बढ़ गया ना बच्चों 90 डिग्री का कोण, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया आपके कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। अब इसकी रचना आपको करनी है, इनको अच्छे से सीख लो बेटा, ये आपके बाद में बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब देखो डी 120 का बनाना है, डी में ये देखो डी वाला बनेगा 120 का, तो 120 का बहुत आसान है। सबसे पहले एक रेखा खींचो, ये हमने रेखा खींची, ठीक है, रेखा का कोई भी नाम दे दो, के नाम दे दो, ठीक है। इस पर एक बिंदु ले लो, इसको पी नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रकार को आपकी आवश्यकता अनुसार खोलोगे, पी पर रखोगे, ये रख लिया, और यहां से ये चाप लगाओगे ऐसे, ठीक है बच्चों। जहां पर ये चाप इस रेखा को काटेगा वहां कोई भी नाम दे देंगे, एम नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्र...
प्रकार को M पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, इसको N नाम दे देंगे, ये बन गया 60 डिग्री का कोण। फिर N पर रखेंगे और आगे चाप लगाएंगे, ये बन गया 120 डिग्री का कोण, इसको नाम दे देंगे O। क्या नाम दे देंगे? O। और O को किससे मिला देंगे? P से। O को मिला देंगे P से, ये हमने मिला दिया। तो बच्चों ये जो कोण बना ये आ गया 120 डिग्री का कोण, ठीक है, इसकी रचना आपको करनी है। ठीक है, अब देखो ई में बनेगा 45 डिग्री का, तो 45 का कैसे बनाएंगे? पहले 90 का बनाएंगे, फिर 90 का आधा करेंगे। 90 का बनाना आ गया आपको, इसका आधा कर दो। कैसे? देखो ये बना देता हूं मैं 45 का भी, ठीक है, या फिर इधर बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, ध्यान देना, इधर 45 डिग्री का बनाना है तो सबसे पहले एक रेखा खींचो, ये हमने एक रेखा खींची, ठीक है, इसका नाम कोई भी दे दो, L दे दो, इस पर एक बिंदु A ले लो, ठीक है, इस A को केंद्र मानकर एक चाप लगाओ, ये एक चाप लगाया, ठीक है बेटा, लगा दिया। अब इसको हम यहाँ रखेंगे, नाम दे देना, पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का, पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का। अब यहाँ से काटोगे और यहाँ से काटोगे तो ये बनेगा 90 का, कितने का? 90 का। और 90 को हम ऐसे मिला देंगे डॉट डॉट में, क्योंकि हमें 90 का नहीं बनाना है ना, हमें किसका बनाना है? हमें 145 का बनाना है, केवल 45 का, 90 का है ना। अब इस 90 का आधा करो। अब 90 का आधा कैसे करोगे? प्रकार को थोड़ा ज़्यादा खोलोगे, एक बार तो यहाँ रखोगे, यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे देना आप, यहाँ से इधर चाप लगेगा और एक बार 90 पे, अब 90 पे यहाँ रखना है आपको, न कि यहाँ नहीं, यहाँ रखना है, ठीक है ना, यहाँ, और ऐसे काट दोगे, ठीक है, जहाँ पर ये कटा इसको मिला दो, ठीक है ना, ऐसे ये मिला दो, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो कोण है ये हो जाएगा 45 डिग्री का कोण, ठीक है, बन गया। अब देखो लास्ट में 135 का, तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे, तो ये मैंने एक रेखा खींची, ठीक है, नाम दे दिया L, इस पर एक बिंदु ले लेंगे, नाम दे दिया A, ठीक है। अब इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे, यहाँ से देखो ये लगाया मैंने एक चाप, लगा दिया। अब यहाँ रखेंगे, पहली बार में कितने का? 60 का, दूसरी बार में कितने का? 120 का, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें 135 का बनाना है तो फिर आगे लगाएंगे, तीसरी बार लगाओगे ना तो 180 का बनेगा, कितने का? देखो अब यहाँ कम है जगह, तो वापस ये वाला जो चाप था ना इसको बढ़ा लो आप, ये जो चाप लगाया था आपने इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे, ये लो 120 का बन गया ना। ये देखो पहली बार में बेटा 60, दूसरी बार में 120, तीसरी बार में 180। अब 180 से इधर, ठीक है, और 120 से इधर, ठीक है ना, और मिला दो, तो ये बन गया आपके 135 का, ये बन गया 135 का, ठीक है। तो ऐसे बनाने आपको ये सभी कोण प्रकार से, उतारो। सवाल नंबर 6, 45 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसके समद्विभाजक कीजिए। बच्चों मैं 45 डिग्री का कोण बनाना है और उसका समद्विभाजन करना है, समद्विभाजन करना हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो देखो 45 का कोण कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींच लो, ये हमने रेखा खींच ली, नाम दे दो L, और इस पर कहीं भी एक बिंदु ले लो, इसका नाम दे दो B, ठीक है। अब बेटा 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें प्रकार से पहले 90 का कोण बनाना है, फिर 45 का बनाना है, तो कैसे? प्रकार यहाँ रखेंगे, बिना कोई नाप, मतलब आपकी इच्छानुसार नाप ले लेना, और यहाँ से एक चाप लगाना है ऐसे, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये L रेखा को काटेगा, इसको कोई भी नाम दे दो, C दे दो, ठीक है। अब C पर रखो प्रकार को और यहाँ से एक चाप लगाओ, पहली बार में 60 का डिग्री का कोण, फिर 60 पर रखोगे तो ये बनेगा 120 का, ठीक है। प्रकार को थोड़ा सा खोल लो और इधर ऊपर और यहाँ 120 से इधर, ठीक है, तो ये बनेगा आपके 90 का। लेकिन हमें 90 का नहीं बनाना है, हमें 45 का बनाना है ना, तो हम इसको डॉट डॉट में मिलाएंगे ऐसे, क्योंकि हमें 90 डिग्री का नहीं बनाना है, हमें केवल 45 डिग्री का बनाना है, ठीक है बच्चों, बढ़ गया। अब इस 90 का आधा कर दो,
ये 90 का बना ना, इसका आधा। अब देखो इसका आधा प्रकार को थोड़ा और खोल लो, एक बार तो सी पर रखो, इधर चाप काट दो, एक बार यहाँ 90 पर, यहाँ रखना है 90 पे इस जगह पे, और यहाँ से इधर चाप काट दो, ठीक है। तो और मिलाओ, रचना आपको करनी है, बस आपको तो ये कोण सीखने, अच्छी तरह से कोण आने चाहिए, रचना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये कोण जो बना ना आपके, ये वाला, ये कोण बन गया 45 डिग्री का, किसका बन गया 45 डिग्री का। अब इस 45 डिग्री का क्या करना है, समद्विभाजक करना है, क्या करना है समद्विभाजक। तो अब बहुत आसान है, 45 का करना है समद्विभाजक, तो एक तो रखेंगे सी पर चाप लगा देंगे, ठीक है, और एक रखेंगे यहाँ 45 पर, यहाँ और चाप लगा देंगे, जहाँ पर ये चाप कटेंगे इसको मिला देंगे बिंदु बी से, ये हमने बिंदु बी से मिला दिया, तो ये दोनों हो गए बराबर, और इस कोण का ये क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया, ए बी सी, इसका नाम दे दो, यहाँ ए दे दो, यहाँ ए, ठीक है, ए, और यहाँ दे देना डी, ठीक है। तो ये जो बी डी है ये इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है, समझ में आ गया बेटा। रचना के पद आपको लिखने हैं, जो जो हमने इसमें किया वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखो सवाल नंबर 7, 135 डिग्री का एक कोण खींचिए और इसके समद्विभाजक कीजिए। अब हमें 135 का कोण बनाना है, फिर उसका समद्विभाजक करना है। तो देखो बच्चों 135 का हमने वहाँ भी बनाया था, लेकिन मेरे साथ जो थोड़ा गलत बन गया शायद, तो इसको सही से देखना आप, ठीक है ना, वो हमने गलत बन गया शायद, वो 150 का बन गया, तो अब इसको देखना कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक रेखा खींचेंगे, ये हमने एक रेखा खींची बच्चों, इसको नाम दे देंगे L, क्या नाम दे देंगे, L नाम दे देंगे। अब इस रेखा पर एक बिंदु लेंगे, ये हम एक बिंदु ले लिया, इसको नाम दे दिया P दे दो, ठीक है। अब बेटा इस P को केंद्र मानेंगे, ठीक है, और प्रकार रखेंगे, और आवश्यकता अनुसार एक चाप ले लेंगे, ये यहाँ पर एक चाप काट दिया मैंने, ठीक है, जहाँ पर ये चाप कटा वहाँ पर कोई नाम दे देंगे X, ठीक है बच्चों। अब ये नाप लेंगे और इस X से चाप लगाएंगे, लगाया पहली बार में 60 डिग्री का, फिर यहाँ से दूसरी बार में 120 का, फिर यहाँ से तीसरी बार में 180 का, ठीक है। लेकिन हमें 135 का बनाना है, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ से पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का, तीसरी बार में 180 का। अब इनको नाम दे दो एक्स वाई जेड, और यहाँ दे दो एन, ठीक है, कोई भी नाम दे देना, दे दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खोल लेंगे, एक बार तो एन पर रखेंगे, इधर चाप लगाएंगे, एक बार जेड पर रखेंगे, इधर चाप लगाएंगे। तो बेटा इसको मिलाओ, जब अब इसको डॉट डॉट में मिलाना है आपको, ये मिलाना है आपको डॉट डॉट में, क्योंकि ये जो कोण बनता है ना बेटा, ये बनता है आपके 150 का, ये 150 का, 150 का होता है ये। जब आप 180 से और 60 से कोण बन, 120 से, ये तो 180 और ये 120, इन दोनों के बीच का जो कोण आता है ना, वो 150 का आता है, ठीक है। अब हमें 135 का बनाना है, तो एक बार तो 150 पे लेंगे और एक बार 120 पे लेंगे, क्योंकि ये वाला कोण दोनों के बीच में होगा, 120 के और 150 के, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा आपके 135 का, थोड़ा गलत कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ पे, तो ध्यान देना, एक बार तो यहाँ रखो 150 पे और ऊपर की तरफ चाप लगाओ, ठीक है, और एक बार यहाँ रखो जेड पे, ठीक है ना, 120 वाले पे, और यहाँ कोण लगाओ, कट गया ना बच्चों, ये जहाँ पर कटा उसको मिलाओ, ये हमने क्या किया, मिला दिया, तो ये बन गया आपके 135 डिग्री का कोण, ये वाला, तो इसको नाम दे देंगे क्यू। समझ में आ गया ना कैसे बनाओगे 135 का, पहले 60 का, फिर 120 का, फिर 180 का, 180 से काटेंगे, 120 से काटेंगे तो बनेगा 150 का, फिर 150 से और 120 से काटेंगे तो बनेगा 135 का, बन गया। अब इसका समद्विभाजन करना है, तो समद्विभाजन करना बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको खोलो, प्रकार को यहाँ 135 पर रखो, इधर चाप काटो, फिर 0 पर रखो, इधर चाप काटो, और दोनों को मिला दो, ठीक है ना, ये हमने दोनों को क्या किया, मिला दिया। तो ये वाली जो लाइन है इसका कोई नाम क्यू दे दो, तो ये पी क्यू जो है, क्यू तो इधर दे दिया था, तो आर नाम दे दो, तो ये वाला जो क्यू पी एल, ये वाला जो कोण है इसका, ये क्या होगा, समद्विभाजक होगा, आ गया समझ में। तो ऐसे करने उतारो, पहले रचना आपको लिखनी है सभी में।
सवाल नंबर 8, 70 डिग्री का एक कोण खींचिए, इस कोण के बराबर रूलर व प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। बच्चों हमें पहले 70 डिग्री का एक कोण बनाना है, फिर रूलर और प्रकार से हम इसी के बराबर एक और कोण बनाना है। तो बच्चों 70 डिग्री का कोण आप चांदे से बनाओगे, प्रकार से हम 70 डिग्री का नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? 70 डिग्री प्रकार से हम उन्हीं का कोण बना सकते हैं जिसमें 15 का भाग जाता हो, ठीक है ना। तो पहले हम चांदे से बनाएंगे, तो कैसे बनाओगे? एक रेखाखंड खींचो, ये हमने एक रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। इसका कोई नाम दे दो, ए बी, और ए को केंद्र मानो और प्रकार को, ये चांदे को का जो बिंदु है सेंटर, ये सेंटर जो पॉइंट है उसको ए पर रखो और इस लाइन को इधर मिलाओ, ठीक है। और अब कितने का? 70 का। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये बन गया, ठीक है। और इसको मिला दो, ठीक है, मिला दिया। और इधर नाम दे दो एक बिंदु सी। तो ये वाला जो कोण बना बच्चों, ये बन गया आपके 70 डिग्री का कोण, ठीक है। बना लिया हमने चांदे से। तो रचना में लिखो कि सर्वप्रथम हमने चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाया, अब इसी कोण के बराबर एक और कोण बनाना है, मतलब 70 डिग्री का एक कोण बनाना है। किसकी सहायता से? रूलर और प्रकार की सहायता से, रूलर और प्रकार की सहायता से। तो इसके बराबर कोण बना लेंगे बच्चों, वही एक रेखा खींचो, ये रेखा खींच दी, इसका नाम एल दे दो, और इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु ले लो, इसका नाम ओ दे दो, ले लिया। अब क्या करेंगे बेटा? अब इस बिंदु ओ पर प्रकार से ऐसे एक चाप लगा देंगे, उधर ही, ठीक है। हाँ, एक चाप लगा दिया, ठीक है, लगा दिया एक चाप, ये हमने एक चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे बेटा? ये नाप लेना है और यहां से ये एक चाप ऐसे लगाना है, लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों? ये वाला जो चाप लगाया इसको हम माप लेंगे ऐसे प्रकार में, ऐसे ये लो, माप लिया, ऐसे मापना है। अब बेटा यहां रखेंगे और यहां ऐसे चाप काट देंगे, यहां से ये चाप लगा देंगे, ऐसे लगा दिया। अब मिला दो बिंदु ओ से, ये बिंदु ओ से मिला दो, ठीक है। तो ये बन गया आपके 70 डिग्री का कोण, इधर कोई भी नाम दे दो पी। तो सेम ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो समझ में आ गया, इस कोण के बराबर ये वाला कोण आपको किस प्रकार से बनाना है। रचना के पद आप लिखना, ठीक है ना, जो आपने इसमें किया वो चीज आपको लिखनी है। सवाल नंबर 9, 40 डिग्री का एक कोण खींचिए, भाई 40 डिग्री का कोण बनेगा इससे चांदे से। तो ये लो, ये लिया मैंने एक रेखा खींच दी, इसका नाम एल दे दिया, इस पर एक बिंदु ले लिया, इसका नाम सी दे दिया, इस बिंदु पर मैंने चांदे को रखा और इस लाइन को मिलाया, तो 0, 10, 20, 30, ये 40, ठीक है, और ऐसे मिला देंगे, ये हो गया आपके 40 डिग्री का कोण, ठीक है, बन गया 40 का। इधर कोई भी बिंदु दे दो, एक ए दे दो, इधर बी दे दो, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके 40 डिग्री का कोण। इसके संपूरक कोण के बराबर एक कोण बनाइए। अब इसका जो संपूरक कोण है, संपूरक का मतलब क्या होता है बेटा? देखो यहां आ रहा है संपूरक, ठीक है ना। संपूरक का मतलब होता है दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। जिन दो कोणों का जोड़ कितना आ जाए? 90। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक, ठीक है। तो देखो ये 40 है, तो बताओ बेटा 40 में कितना जोड़ोगे कि 90 होएगा? 40 में 50 जोड़ने पर 90 होएगा, कितना होएगा? 90 होगा ना। तो 40 का संपूरक कितना है? 90 है। तो मतलब 40 का संपूरक कितना है बच्चों? 50। संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो। तो एक 40 दे रखा है ना, तो दूसरा कितना होगा? 50 ही होगा, क्योंकि 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। मतलब दूसरा कोण कितने डिग्री का बनाओगे? 50 डिग्री का। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री का संपूरक, संपूरक कोण कितना है? 50 डिग्री है। अब 50 का कोण बनाओ, तो 50 का आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले एक रेखा खींचो, इस रेखा पर एक बिंदु ले लो, इस बिंदु पर यह रखो चंदा, ठीक है, और यहाँ से देखो ये बन गया 50, ठीक है, ये बन गया आपके
50 डिग्री का कोण, ये आ जाएगा 50 का। यहाँ कोई भी नाम दे दो, एम दे दो या एन दे दो, तो ये बन गया 50। तो ये 40 और ये 50, ठीक है। तो आपकी ये क्लास समाप्त होती है और कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित भी आपके समाप्त होती है। आप कोई प्रकार का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, कोई चीज़ डाउट हो तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित का कंप्लीट कोर्स होता है। अब इसके बाद हम कक्षा 7 गणित का कोर्स करेंगे, कुछ प्रश्नावलियाँ बच रही है वो भी पूरा होने वाला है, ठीक है। यदि आपको पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करो, और इन जो कोर्स मेरे द्वारा पढ़ाया गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ये मेरा विश्वास है आप इनको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाओगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।